इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वॉटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। साथियों, आज से 1,000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। मेरे लिए स्वच्छताए जन शक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गया है। आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है, जो अभियान शुरू हुआ, कैसे लाखों लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते थे। शादी ब्याह से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक हर जगह स्वच्छता का ही संदेश छा गया। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी, किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी, कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी, तो कहीं किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता, किसी और समारोह में दिया होता तो शायद अखबारों के हेडलाइन बन जाता और सप्ताह भर उसकी चर्चा होती। लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका चेहरा कभी टीवी पे चमका नहीं है, जिनका नाम अखबारों की सुर्खियों पर कभी छपा नहीं है, ऐसे लक्षावधि लोगों ने कुछ न कुछ दान करके, चाहे वो समय का दान हो या संपत्ति का दान हो, इस आंदोलन को एक नई ताकत दी है, ऊर्जा दी है। और ये मेरे देश के उस चरित्र का परिचय करवाता है। जब मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की बात की तो करोड़ों लोगों ने जूट के बैग और कपड़े के थैले निकाल करके
बाजार में खरीदी करने के लिए जाने की परंपरा शुरू की। और मैं उन लोगों का भी आभारी हूं, वरना मैं प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की बात करता तो हो सकता था प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले आंदोलन करते, भूख हड़ताल पर बैठते, नहीं बैठे, उन्होंने सहयोग किया, आर्थिक नुकसान होगा। और मैं उन राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो भी शायद निकल पड़ते कि देखिए मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक भर के हजारों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर देते। मैं उनको भी आभार मानता हूं कि उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया। हो सकता है इसके बाद चला जाए। साथ ही इस आंदोलन में हमारा फिल्म जगत भी पीछे नहीं रहा। कमर्शियल हित के बजाय फिल्म जगत ने स्वच्छता के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए फिल्में बनाई इन 10 सालों में। और मुझे तो लगता है कि ये विषय को एक बार करने का नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर पल हर दिन करने का काम है। और ये जब मैं कहता हूं तो मैं उसको जीता हूं। अब जैसे मन की बात की याद कर ले, अपन आप में से बहुत लोग मन की बात से परिचित हैं, देशवासी परिचित हैं। मन की बात में मैंने करीब करीब 800 बार स्वच्छता के विषय का जिक्र किया है। लोग लाखों की संख्या में चिट्ठियां भेजते हैं, लोग स्वच्छता के प्रयासों को सामने लाते रहे। साथियों, आज जब मैं देश और देशवासियों की इस उपलब्धियों को देख रहा हूं तो मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ। स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधी जी ने हमने आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था, दिखाया भी था, सिखाया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। स्वच्छ भारत अभियान पर प्रधानमंत्री का यह संबोधन आभार भी जताया।